Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. That some AI experts now predict artificial intelligence will become more intelligent than humans by the end of this decade. Technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Right. A Google employee who was called the godfather of artificial intelligence has quit his job so he can warn us about the dangers of AI. He says he is leaving Google because he wants to talk about the dangers of AI without considering how it impacts Google. नमस्कार दोस्तों, एक समय था जब कंप्यूटर साइंटिस्ट अपनी लैब में एक नया सिस्टम डेवलप कर रहे थे। उनका गोल था एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच और समझ सकता हो, और ऐसे इन्वेंट करते करते वो एआई की दुनिया में प्रवेश कर गए। एआई ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर ये हमारे दिमाग में साइंस फिक्शन मूवीज और रोबोट्स की तस्वीरें उभर कर सामने आती है, लेकिन रियल लाइफ में एआई एक बहुत ही बड़ी वास्ट टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे जीवन पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, या फिर इसका मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, या फिर इसके क्या फायदे व क्या नुकसान है। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को याद से प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आखिर ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर साइंस का उपयोग इंटेलिजेंट मशीन्स की डेवलपमेंट के लिए किया जाता है, और ये मशीन्स आमतौर पर ऐसे काम कर सकती है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम, डाटा और कंप्यूटिंग पावर के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके मशीनों को यहाँ पर लर्न करने, एडवाइस करने और डिसीजन लेने तक की क्षमता प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ तक कि मशहूर बिजनेसमैन एलन मस्क ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन का कारण भी बताया है, और दोस्तों यहाँ तक कि उन्होंने खुद इसमें इन्वेस्ट भी कर रखा है, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा बयान दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एआई की मदद से बनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारी सड़कों पर भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कारें एआई की एल्गोरिथम्स और सेंसर्स का उपयोग करते हुए बिना हमारे स्टीयरिंग व्हील घुमाए अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है, और इससे हमारी काफी समय की और साधन की बचत भी हो रही है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना कमाल हेल्थ सेक्टर में भी दिखा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक्सरे और एमआरआई रिपोर्ट की स्कैनिंग से लेकर एआई पावर टूल्स डॉक्टरों को यहाँ पर बीमारी की पहचान से लेकर उनके इलाज को लेकर भी काफी सुझाव दे रहा है, जिससे कि डॉक्टरों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है, और इसी कारण हमें काफी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त भी हो पा रही है। दोस्तों, आज की डेट में हर ऑनलाइन चीज में एआई का उपयोग हो रहा है। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे कोई कॉन्टेंट सर्च करते हैं तो आपको उसी के रिगार्डिंग, आपके सर्च एल्गोरिथम के रिगार्डिंग यूट्यूब आपका इंटरेस्ट जान लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वीडियो जो सजेस्ट होती है। अगर आप यहाँ पर रोस्टिंग की वीडियोस को सर्च करते हैं या फिर फूड ब्लॉग्स वगैरह देखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर, या तक कि फेसबुक पर, या तक कि इंस्टाग्राम पर, भले ही आपने इस चीजों के रिगार्डिंग में सर्च नहीं किया हो, वहां पर भी ऐसी चीजें आपको सजेस्ट होने लग जाती हैं। दोस्तों, ये रिकमेंडेशन सिस्टम केवल और केवल यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर ही केवल और केवल लागू नहीं होता, बल्कि इसी के साथ अगर आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर आप वहाँ पर जाकर किसी भी तरह का प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे कि मोबाइल एज एग्जाम्पल हमने ले लेते हैं, जिसको आपने सर्च किया लेने के लिए, तो दोस्तों इसके यहाँ पर जो रिकमेंडेशन आएंगे वो दोस्तों इन एप्स के अलावा, अगर आप क्रोम खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, या तक कि आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स खोलते हैं, एप्स खोलते हैं, तो वहाँ पर आपको इनके रिकमेंडेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, ये होता है किसकी वजह से? एआई की वजह से, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही करता है, उसका मेन पर्पज यही है कि यहाँ पर वो एनालिसिस करता है डाटा का जो कि हम यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर यूजर जो जिस तरह का डाटा, किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह सर्च करता है, यूज करता है, उसी के रिगार्डिंग, उसी के इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो चीजें आपको रेफर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि यहाँ पर इंटरेस्ट लोगों का बढ़ता है और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स है इसकी पकड़ में आने लग जाते हैं। और दोस्तों, रही बात यहाँ पर एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी एआई का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, काफी अच्छे तरीके से अपना प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर लर्निंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया, पढ़ने का तरीका एआई के आ जाने से काफी हद तक चेंज हो गया है।
यहाँ पर दोस्तों पर्सनलाइज्ड टूल्स आ चुके हैं, यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट आ चुके हैं जो कि यहाँ पर लर्निंग के प्रोसेस को काफी ज्यादा आसान बना देते हैं, जिससे कि दोस्तों लर्निंग जो प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा आसान हो जाती है और स्टूडेंट्स भी काफी अच्छी मात्रा में काफी बड़े पैमाने पर अब इसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस्तेमाल भी करने लग गए हैं। और अगर आप भी एक स्टूडेंट होंगे तो किसी ना किसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर ही रहे होंगे। तो दोस्तों हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल स्वास्थ्य से लेकर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन तक हर फील्ड में हो रहा है। चाहे अगर आप किसी इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पर इंडस्ट्रियां कुछ ऐसी भी है जिसमें कि AI यहाँ पर मशीनरी का इस्तेमाल करके AI डेवलप्ड मशीनरी का इस्तेमाल करके यहाँ पर चीजें जो है प्रोडक्ट है वो डेवलप्ड हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, यहाँ तक कि मार्केटिंग्स भी यहाँ पर AI ही कर दे रहा है उन मशीनों के अंदर। तो ऐसे में दोस्तों हर चीज के आने से कुछ फायदे हो रहे हैं तो हमेशा यहाँ पर नुकसान भी साथ में आएंगे ही। तो दोस्तों बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आखिर क्या क्या नुकसान है। तो दोस्तों यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसानों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों पहला तो नुकसान आपने भी सुना होगा जो कि काफी ज्यादा चर्चा में भी है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्यादा अगर इस्तेमाल होने लग जाएगा दोस्तों कुछ नौकरियां व कुछ प्रोफेशन जो है ऑब्सोलेट हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यहाँ पर जो मशीनें हैं वो रिपीटेटिव टास्क को काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ह्यूमन की कैपेबिलिटी से भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन जो है वो केवल और केवल 8 या 10 घंटे ही लगातार काम कर सकता है। इसके बीच में भी उसको गैप कहीं ना कहीं आराम जो है लंच ब्रेक जो चाहिए ही होता है, लेकिन जो मशीनें होती है वो लगातार 24 घंटे काम कर सकती है बिना थके। दोस्तों इसके कारण यहाँ पर जो कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिनमें कि मैन वर्किंग या मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है उन प्रोफेशन को काफी अच्छी तरीके से इनके जगह रिप्लेस किया जा सकता है और उनकी नौकरियां जो है काफी हद तक गायब हो जाएंगी। और दोस्तों ऐसी नौकरियों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर AI के टूल्स का इस्तेमाल होने लग रहा है वहां पर दोस्तों जो लोगों को निकालना भी काफी बड़े पैमाने में किया जा रहा है। वैसे भी दोस्तों रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है लेकिन दोस्तों AI के कारण भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है आने वाले समय में। दोस्तों अगला बड़ा नुकसान ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारे डाटा जो सेंसिटिव डाटा है उसका गलत इस्तेमाल होने का यहाँ पर संकट जो है यहाँ पर खतरा जो है बढ़ जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे हमारे डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। दोस्तों अगला बड़ा नुकसान है साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि दोस्तों AI के समय में हमारे पर्सनल डाटा की सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाती है, क्योंकि दोस्तों AI एल्गोरिथम्स का गलत इस्तेमाल करने की वजह से जो हमारा पर्सनल डाटा है वो दोस्तों हैकर्स के पास या फिर दोस्तों साइबर क्रिमिनल्स तक पहुंच सकती है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा किसी व्यक्ति के ऊपर बना सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि AI के आ जाने से ज्यादा इसका इस्तेमाल होने से सामाजिक दूरी भी पैदा हो सकती है, क्योंकि दोस्तों चैटबॉट्स और जो असिस्टेंट्स होते हैं वो हमारे प्रॉब्लम्स को काफी अच्छे तरीके से सोल्व तो कर देते हैं लेकिन दोस्तों उनमें जो है कि ह्यूमन इमोशंस कह सकते हैं फीलिंग जो है वो नहीं होते, उनके अंदर किसी भी तरह का जज्बात नहीं होता है, जो कि एक व्यक्ति की कंडीशंस को फीलिंग्स को समझने की काफी अच्छी जो क्षमता होती है वो उन मशीनों के पास कभी भी नहीं आ सकती है। और दोस्तों इसी के साथ मशहूर यहाँ पर कह सकते हैं बिजनेसमैन जो है एलन मस्क ने, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी वार्निंग दी है कि अगर AI का काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल के साथ इस्तेमाल किया गया तो ठीक है, लेकिन अगर ये अनकंट्रोलेबल इस्तेमाल की गई तो ये एक ना एक दिन सिविलाइजेशन के एंड का कारण बन सकती है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अगर अभी कंट्रोल नहीं रखा गया तो आने वाले समय पर वो हमें कंट्रोल करने लगेगी, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आजकल हमारी जो दिनचर्या है उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिना सोचे समझे काफी ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे कि एग्जांपल यूट्यूब वीडियो के लिए टॉपिक सर्च करना, वीडियो बनाना, थंबनेल कैसे बनाना है, यहाँ तक कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको परचेज करना हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर AI के टूल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हर छोटे बड़े काम इंडस्ट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसका कि एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा जो कह सकते हैं इसका जो आउटकम है जो निकल कर आया है, जिससे कि यहाँ पर मानव जो है ह्यूमन जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं और आने वाले समय पर अगर बेरोजगारी इसी रेट से बढ़ती गई तो एक बहुत ही बड़ा संकट जो है आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इंडिया जैसे देश में जहाँ पर पॉपुलेशन पहले से एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम है बनी हुई है, वहां पर वैसी बेरोजगारी, यहां पर आप जानते हैं देश में क्या कंडीशन चल रही है, क्या यहाँ पर बेरोजगारी कितना बड़ा एक संकट बनी पड़ी है, यहाँ पर इसी के साथ अगर प्लस में AI के कारण बेरोजगारी आती है तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या बुरी कंडीशन का सामना यहाँ पर देश में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपके क्या ओपिनियन है, क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके मुताबिक आपको नजर आ रहा है नीचे कॉमेंट में बताइएगा, क्या AI यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छी है या फिर एक बहुत ही बड़ा खतरा संकट जो है बनकर सामने आएगी अगर इसका अनकंट्रोलेबल रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो
दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।